शाहतलाई में शनिवार को भूतपूर्व सैनिकों की समस्याएं लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में सेना मेडल विजेता वीरता पुरस्कार कर्नल पीसी अत्री उपनिदेशक सैनिक कल्याण बोर्ड बिलासपुर ने सुनी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सैनिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चली हुई हैं, लेकिन सैनिक इन योजनाओं की पूर्ण जानकारी न होने के कारण वंचित रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि हमारे एक्स सर्विसमैन को बहुत प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को देखते हुए फौजी जो है वो पहले घर की परिस्थितियों में लटका रहता है, फिर वो अपने परिवार परिस्थितियों में ऐसा घिल मिल जाता है और अपने डॉक्यूमेंटों को वो दरकनार कर देता है कि मैं जो भी है मेरे डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमें पेंशन आ रही है, बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि आगे जाके हमारे जो हम जब नहीं रहेंगे तो हमारी पेंशन क्या सिस्टम के थ्रू हमारे घर तक हमारे परिवार को वो बेनिफिट मिल सकता है। आज के दिन में मैं आप मान के चलता हूँ कि बहुत दुनिया जो है इस परेशानी से जूझ रही है, तो मैं इसीलिए आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं आप उसको चेक कराइए और जहाँ आप बोलोगे वहाँ आपके चेक कर देंगे। हम मैंने घर घर ये मुहिम चलाई है कि जगह जगह जाके मैं इस काम को करने के लिए मैं कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब जो है इसमें जागृत हों। जो प्रॉब्लम एरिया मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे सेक्स जो फौजियों के प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि हमारी जो सर्विस बुक है, ये पकड़ा बुक ऊपर जो है वो बड़ी पुरानी बुक है ये, तो ये जो रिटायरी पुराने वाले हैं इनकी बुकों में जो है हमारे परिवार का नाम उनकी एंट्रियाँ नहीं होती हैं, रिकॉर्ड में होती हैं, बट हम जब इस चीज़ को हमें पता नहीं है तो हम इसके लिए फिर आज के दिन में अगर जो स्कीमें हमारे लिए लागू हैं, जैसे हमें बच्चों के लिए जो है वो पेंशन के बाद बीए तक जो है वो हमें चिल्ड्रन एजुकेशन लॉन्स मिलता है जिसमें साल का जो है 10,000 रुपये एक बच्चे का है, दो बच्चे का हम ले सकते हैं पैसा। दूसरे लड़की जब शादी होती है तो उसके लिए 50,000 का प्रावधान है, लड़की की शादी के होने के बाद एक 6 महीने तक, अभी कोरोना के बीच में इन्होंने जो ये लड़की की आपके 50,000 का प्रावधान है, फिर उसके बाद जो कैजुअल्टियाँ हैं हमारी जो बैटल कैजुअल्टी होती है उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है वो 20 लाख का प्रावधान रखा है, फिजिकल कैजुअल्टी जो होती है वो उसके लिए 5 लाख का प्रावधान है, बच्चे जिनके बच्चे जो हैं वो 12वीं के बाद 60% से ऊपर नंबर लेते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप के अगेंस्ट जो है वो प्रोफेशनल कोर्स में आपको जाने के लिए लिखा गया है। कम से कम 85 कोर्स ऐसे हैं जो कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से अथॉराइज हो रखे हैं। बच्चा अगर उस चीज़ में जाता है तो उसको लड़के को 30,000 और लड़की को 36,000 जो है वो सालाना उसकी बेनिफिट मिलता है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शाहतलाई से कमल शर्मा।